मेरा तो ये कहने का है कि अगर वोट बटेगा नहीं तो बीजेपी सटेगा नहीं। देश के इशू है महंगाई, बेरोजगारी, उसके ऊपर कोई नारा नहीं देते। तो आप देखो कि कैसे उसमें चाइना का दखल होता जा रहा है। आप उस पर नहीं बात करते हो, आप हमेशा बात करोगे समाज को बांटने वालों को। और रोजगार देने की बात आती है तो आप अग्निवीर लगाते हो। अग्निवीर को आपने रोजगार दे रहे हो, शमशान और कब्रिस्तान की बात करेंगे ये। तो इन चीज़ों से हासिल क्या हो रहा है समाज को, देश को क्या हासिल हो रहा है, उसका तो बता देंगे। उसकी जवाबदेही नहीं है इनकी कि ये भारत सरकार 10 साल से चला रहे हैं, घुस बैठिए घुस कैसे रहा है। कि वोट बढ़ता है तो बीजेपी को फायदा होता है, तो समाज को बांटने की बात ना करें। ये उन मुद्दों पे आए जो देश के असली मुद्दे हैं। अब यहाँ का लोकल है या कि किसानों को खाद नहीं मिल रही, उनको MSP नहीं मिल रहा, नौजवानों को रोजगार नहीं है, ठीक है, तो अब मेडिकल सुविधाओं की कितनी कमी है। अब ये देखिए कि अभी 12 बच्चे मर गए वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करो, आप रेलवे की उन्नति की बात करो, रेलवे की सेफ्टी की बात करो, आज विदेशों की बात करो कि हमारे आसपास के जो भी कंट्रीज हैं, तो आप देखो कि कैसे उसमें चाइना का दखल होता जा रहा है। आप उस पर नहीं बात करते हो, आप हमेशा बात करोगे समाज को बांटने वालों को। आप नौजवानों को रोजगार देने की बात करो, और रोजगार देने की बात आती है तो आप अग्निवीर लगाते हो। अग्निवीर को आपने रोजगार दे रहे हो, तो मतलब ये है। अब अभी आप देखिए आगे आगे, मतलब आपको पता चलेगा। ये तो अभी बच्चों ने आंदोलन करके एक रिक्शा को उन्होंने वो करवा दिया, मजबूर होगी सरकार उसके ऊपर निर्णय लेने की कि हम लोग एक दिन में करेंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इलेक्शन के टाइम पे इनको ये सब चीज़ें याद आती, तो इनको फिर याद आता है कि ड्रेस से पहचान लेते हैं ये, शमशान और कब्रिस्तान की बात करेंगे ये। तो इन चीज़ों से हासिल क्या हो रहा है समाज को, देश को क्या हासिल हो रहा है, उसका तो बता देंगे। अब वहाँ पे झारखंड में इनका नारा है कि घुसपैठिया, ठीक है, घुसपैठिया की क्या मतलब है भाई, बॉर्डर पे BSF है, सीमा सुरक्षा बल है, तो किसके अंदर में घुसपैठिया आ रहा है तो सीमा कैसे क्रॉस करके आ रहा है। उसकी जवाबदेही नहीं है इनकी कि ये भारत सरकार 10 साल से चला रहे हैं, घुसपैठिया घुस कैसे रहा है। तो बॉर्डर पे तो इनकी फोर्स है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी है। बहुत ही दुखद मतलब लापरवाही का केस है ही, क्योंकि अगर वहाँ पे अभी कहते हैं कि जांच में शॉर्ट सर्किट आ रहा है, तो शॉर्ट सर्किट आ रहा है तो वहाँ पे स्प्रिंकलर होने चाहिए, अग्निशमन यंत्र होने चाहिए, तो वो तो जांच में आएंगे क्या क्या कमियाँ थी। लेकिन ये है कि अब शॉर्ट सर्किट के कारण 12 बच्चों की जान गई, तो उसके लिए कहीं ना कहीं तो प्रशासन जिम्मेवार है, उसके ऊपर इनको देखना चाहिए, जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। जो ज़िंदगी चली गई वो पैसों से तो नहीं आएगी वापस, तो इसलिए मतलब ये पहले ही होने से पहले घटना को मतलब रोकना चाहिए। सेंट्रल ऑफिस में भी उनको माल्यार्पण किया गया, और एक स्कूल के अंदर उन्होंने इंदिरा जी के उस पर करते हैं एनुअल फंक्शन करते हैं, उस समय मैंने पार्टिसिपेट किया। अभी एक यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप था जो संस्था ने किया, उसको किया। फिर जो हॉस्पिटल्स का जो हम लोग रेगुलरली इनका हमने कहा कि जो भी हमारा योगदान होगा इस हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि अभी ये अच्छे से बढ़ रहे हैं आगे, तो इनको भी ज़रूरत है। तो जो भी मेरी सांसद निधि से जो फंड्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि हम लोग यहाँ इस हॉस्पिटल में बेटर सुविधाएँ देने चाहते हैं कि हमारे अमेठी संसदीय क्षेत्र के आस पास के ज़िले के लोगों को कम से कम लखनऊ दिल्ली न भागना पड़े, हम लोग वो उनको मुहैया यहाँ कराना चाहते हैं। नहीं, वो तो मट्टू साहब प्रयासरत हैं, क्योंकि 2003 से हम लोग प्रयासरत हैं उसके लिए। तो वो है कि एक बार NOC नहीं दिया तो कुछ उन्होंने बताया, तो हमने उसमें सुधार तो किया ही है। तो बाकी चीज़ें हैं जो उसके अंदर फॉर्मेलिटीज़ हैं, तो हमारे को एक बार लेटर ऑफ इंटेंट अगर मिल जाएगा तो हम समय के उस जो टाइम पीरियड होगा उसके अंदर हम हॉस्पिटल खड़ा करेंगे। नहीं, उसमें यह था ना कि एक्चुअली ये पाँच सीटें तो समाजवादी की थी जो उनके MPs बन के खाली हुआ, तो उसमें ये हुआ कि हमारा वोट बटे ना, एक तो ये था, क्योंकि हमने अभी यही कहा कि वोट बढ़ता है तो बीजेपी को फायदा होता है। आप देखो कि उनका वोट कितना है, 35%, 38% या 42%, जो भी, तो मेजॉरिटी तो बाहर है, भले तो 51 नहीं है उनका। तो इसलिए हम लोगों का ये था, जब हमारी शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया
कि ठीक है, हम इसमें इस मामले में हम रीजनल पार्टीज की मदद करेंगे। तो हमारा अनुसरण बाकी लोगों ने भी किया, बाकी लोगों ने भी नहीं लड़ाया, चाहे कम्युनिस्ट हैं या और भी छोटी पार्टियां थी, उन्होंने भी नहीं लड़ाया। हमने पूरा समर्थन समाजवादी पार्टी को दिया, तो उस पर हम लोग लड़ रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता हर जगह पे हमारे समाजवादी को इंडिया गठबंधन के तहत हम मदद करें। नहीं, जैसे मैं वायनाड में गया तो वहाँ तो कहने की बात नहीं, मार्जिन की ही बात है, वहाँ जीत हार की तो बात ही नहीं है। तो वहाँ पे क्या कि हमारा यूडीएफ की प्रत्याशी थी प्रियंका जी वहाँ पे, क्योंकि दो गठबंधन है, एलडीएफ और यूडीएफ, तो प्रियंका जी यूडीएफ की मतलब प्रत्याशी थी वहाँ पे, सारे दल मतलब मिल के मदद कर रहे थे और वहाँ पे अच्छी स्थिति रहेगी। तो मैं वहाँ पे काफ़ी दिन लगा गया। उसके बाद क्योंकि मैं झारखंड में स्टार प्रचारक था तो मेरे को वहाँ जाना था, तो 3 या 4 दिन मैंने वहाँ भी रहे। तो वहाँ पे जो है कि लोग, क्योंकि हमारे सरकार की जो वहाँ पे हेमंत सोरेन की सरकार है, उसने 3-4 योजनाएं बड़ी अच्छी वहाँ पे ली है, जिसका मेरे को इम्पैक्ट वहाँ पे मैया योजना का जैसे ये था, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट वहाँ पे नज़र आया। पहला फेज़, क्योंकि मैं पहले फेज़ में जा नहीं पाया, वायनाड में था, तो मैं सेकेंड फेज़ में वहाँ पहुँचा जिसमें 38 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है। तो मेरे को लगा कि मतलब अच्छा जाएगा। देश की इशू ये नहीं है, देश के इशू है महंगाई, बेरोजगारी, उसके ऊपर कोई नारा नहीं देते, ठीक है। इस नारे से क्या हासिल होना है, नौजवान को क्या हासिल हो जाएगा, ठीक है, मजदूर को क्या हासिल हो जाएगा। मेरा तो ये कहने का है कि अगर वोट बटेगा नहीं तो बीजेपी सटेगा नहीं, मेरा नारे के जवाब में मेरा ये जवाब। नहीं, मैंने यही कहा, मैंने 21 अक्टूबर को चिट्ठी लिखी थी, क्योंकि उस समय मेरे को थोड़ा इनपुट मिला था कि आप एक मतलब पूछते हैं कि उपलब्धता है भी कि नहीं, तो उन्होंने मेरे को जवाब दिया कि मांग के अनुरूप उपलब्धता है। तो अब विश्वास तो करेगा आदमी को, जिन्होंने करना है हमने किया। तो मतलब मैं यहाँ का एमपी हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन मेरे से कहे कि एमपी मेरे को कहे कि आप प्रयास करिए, तो मैं सेंटर में प्रयास कर लेता इनका भी, हम अपने एफर्ट करते, मिलता ना मिलता अलग बात है। तो इन्होंने वो भी नहीं किया, इन्होंने लिख दिया उपलब्धता मांग के अनुरूप है। फिर आप ये जांच का विषय है कि लाइनें क्यों लग रही हैं, उपलब्धता है। फिर जो कोऑपरेटिव सोसाइटियों पे किन लोगों का कब्जा है, खाद तो वहीं के माध्यम से बट रही है या सरकारी डिपो से बट रही है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए कि अगर उपलब्ध है तो फिर ये खाद जा कहाँ रही है, क्या नेपाल का बॉर्डर तो नहीं क्रॉस कर रही है, क्योंकि एक बार हुआ था ऐसा कि यहाँ की खाद नेपाल तक में भी गई है ट्रकों के ट्रक। तो ये भी देखना है कि जो लोग सोसाइटियों पे कब्जा जिनका है, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं, ये जवाबदेही उनकी भी बनती है कि वो एक पारदर्शिता के तरीके से हर रोज वोट टांगे कि आज इतने किसानों को हमने दिया, आज इतने को दिया, ये स्टॉक हमारे पास उपलब्ध है, ये कल देंगे परसों देंगे, अगर उपलब्ध है तो छुपाने की क्या बात है, तो करें, और नहीं तो ये जांच का विषय है कि अगर खाद उपलब्ध है तो जा कहां। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।